यो भैया, लगभग 25 मिनट के बाद गाड़ी को सिग्नल मिली है और इधर गाड़ी ला के तो लग रहा था कि ऐसे खुलवे नहीं करेगा। इतना देर हो चुका है, आधा घंटा लगभग गाड़ी इधर है, लेकिन अभी जक्शन जब आएगा तभी दिखाएंगे। उससे पहले आदमी लोग गाड़ी और वहाँ देखिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए आज के टाइम में पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। वहाँ देख लीजिए कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस लगा हुआ है जो कि अभी साफ सफाई होगा, तो यही। और ये रूट अगर आप देख लीजिएगा तो ये रूट चल जाएगा आपको सीधे कोलकाता की ओर, मालदा टाउन कोलकाता की ओर ये रूट जाएगी, तो इसलिए। और ये रूट आती है राधिकापुर बारसोई की ओर से, ये रूट आ जाएगी आपको, और ये रूट चला जाएगा आपको मालदा टाउन की ओर। तो चलिए यहाँ देख लीजिए दीन दयालु लगा हुआ है, और ये देख लीजिए गाड़ी बोला जाए तो कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस जो कि यहाँ लगा हुआ है। ये गाड़ी का देखा जाए तो कैसा कंडीशन लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा गंदा देखने में लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे साफ़ सफाई भी गाड़ी किया जाता है। अब वैसे तो हमारा गाड़ी लग रहा है कि बैटरी लो हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया गया, ये लग रहा है गाड़ी बहुत दिन से धोया गया नहीं है इसलिए ऐसा लगा हुआ है। और वैसे कटिहार हावड़ा ट्रेन जर्नी तो ये भी देखेंगे हम लोग। कटिहार हावड़ा माना जाता है ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है और अंदर का इसका गिलास विलास भी अच्छा नहीं होता, इसके अंदर भी कोई दिन चलेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले आप ये नज़ारा देख लीजिए, गाड़ी घूमती हुई जाएगी। कटेबल कर चुके हैं और ये गाड़ी देख लीजिए तो गाड़ी अभी रुक चुकी है इस प्रकार से। लोकोमोटिव इंजन देखा जाए तो गाड़ी नंबर चेंज कर लिए और वहाँ भी साफ सफाई, तो समझ लिए होंगे आप हर चीज। हमारी गाड़ी तो वहाँ देखिए 14 लिखा हुआ है, वैसे बकरी है, कहीं बकरी का जाती है आपको पूर्णिया जोगबनी की ओर, फाइनली नेपाल की ओर जाएगी। वैसे तो